इस वक्त की बड़ी खबर चमोली से, जहां पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा हुआ है। प्रोजेक्ट में करंट लगने से कई लोग घायल हुए हैं, कई लोग करंट की चपेट में आ गए हैं। करंट लगने से कई लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। करंट लगने से 10 से ज्यादा लोग झुलसे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर चमोली से, जहां पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा पेश आया है। आपको बता दें, प्रोजेक्ट में करंट लगने से कई लोग झुलस गए हैं, कईयों की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। 10 से ज्यादा लोग करंट की चपेट में आ गए। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा, तो बहुत बड़ी हादसे की खबर चमोली से, जहां पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा पेश आया और यहां पर अचानक करंट तोड़ पड़ी और करंट लगने से कई लोग झुलस गए हैं, जिनमें से कईयों की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। राहुल प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, सबसे पहले ये बताइए, हादसा कैसे हुआ और कितने लोग इसकी चपेट में आए हैं, कैसी हालत है उनकी? देखिए, फिलहाल ताजा तस्वीरें बताती हैं कि 10 से 12 लोग इसकी चपेट में आए, यानी एक दर्जन के करीब इनकी मौत हुई है, बताया जा रहा। आंकड़ा बढ़ेगा क्योंकि एकाएक ये जो करंट की जो बात है, क्योंकि ये पिछला वही प्रोजेक्ट है जिसमें काम चल रहा था और उसी दौरान ये लापरवाही की बात निकल कर आ रही है। हालांकि ये भी तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि अचानक से बदलता हुआ हल्ला हुआ शुरू हुआ, वहाँ पे अचानक से करंट लगने की बात हुई और जिस तरीके की तस्वीर देखी उसमें ये कहा गया कि कई लोग उसकी चपेट में आ गए। फिलहाल अभी ये कहा जा सकता है कि प्रशासन मौके पर है और इस मामले की जाँच की जा रही है, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले की ये बात है, घटना घटी है और बताया जा रहा है ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें पिछले साल भी काम चल रहा था, उस वक्त ये हादसा हुआ था। और एक बार फिर तस्वीर में ये बताता है कि कितनी बड़ी लापरवाही हुई है, लेकिन अभी फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। जी राहुल, जरा ये भी बताइएगा, जो लोग करंट की चपेट में आए हैं वो कौन लोग थे, वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं? देखिए, फिलहाल ये साफ हुआ है जो प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूर हैं वो इसकी चपेट में आए हैं, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट है, इसके सराउंडिंग में जो काम चलता है पूरी फैक्ट्री के लोग या कंपनी के लोग आते हैं काम करने, अभी फिलहाल ये है। लेकिन और ज्यादा जानकारी की जिसकी जो जो प्रशासन है वो इसकी डिटेल्स कलेक्ट कर रहे हैं कि कौन कौन लोग उस वक्त मौके पर थे, लेकिन ताजा जानकारी यही है कि एक दर्जन के करीब लोग हैं जिनको करंट लगने से जिसकी मौत हुई है। फिलहाल जी राहुल, फिलहाल की जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम अपडेट्स लेंगे।